त्योहारों की रौनक के साथ दिल्ली में चल रहा है रामलीला का मंचन, इसके साथ मेले, इस वीडियो में वही देखने को मिलेंगे। दिल्ली में आरके पुरम की ये रामलीला बहुत ही फेमस है और रात को ये 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं, तो लास्ट में आपको यहाँ पे स्मृति ईरानी जी का आपको भाषण सुनने को मिलेगा जो कि बहुत ही प्यारा है, तो उसको सुनना मत भूलिएगा। और थोड़ा बहुत मंचन भी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। और ये देखिए यहाँ का आज का क्राउड तो बहुत ही ज़्यादा था, यहाँ पे हर जगह पे रामलीला देखने वाली जगह पे एंड बाकी झूले वाली जगह पे भी क्राउड बहुत ज़्यादा था। निश्चय ही कोई राम भक्त ये मुझे दिखाई पड़ता है। क्या बड़भागी करने आए हो मुझ मूढ़ निशाचर को? हे महाराज धन्यवाद करें जिनको, जो स्टार प्रचारक के नाते देश के हर कोने में कहीं चुनाव होगा तो अगर माननीय रामलीला का जो मंचन देखने का शुभ अवसर मिला है उसके लिए समिति के सभी मेंबर्स को भक्तों की ओर से विशेष आभार और अभिनंदन। यहाँ जिन कलाकारों के मंचन के माध्यम से जागृत रूप में भगवान और उनसे संबंधित संस्कारों का दर्शन हो पा रहा है, ऐसे कलाकारों को हम सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार एवं वंदन। मैं रामलीला के मंचन में बाधा नहीं बनना चाहती, मैं मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि जिस पुरम के नाम से राम और कृष्ण का नाम जुड़ा हो उस पुरम में वर्ष और हर वर्ष के भांति इस वर्ष जो रामलीला का मंचन का आयोजन हुआ है उसमें जो व्यवस्था आपने की है अनिल जी, उसके लिए विशेष आपका अभिनंदन कि परिवार सहित सब राम भक्त यहाँ पधारे हैं। मेरा विशेष आभार उन माता पिता को जो अपने बच्चों को संग लाए हैं, हम बार बार अपने सभ्यता संस्कारों के साथ यहाँ विशेष आए हैं, उनको हम सब की ओर से आभार। आज जो दृश्य यहाँ देखने को मिला कि हनुमान जी सोने की लंका में गए लेकिन सोने की लंका को देखकर मंत्रमुग्ध नहीं हुए, उनका ध्येय उनका लक्ष्य मात्र माता की खोज है, इसीलिए आज इस मंच से सभी परिवारों के लिए माँ भगवती से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि आपके परिवारों में जितने भी बच्चे हैं उनके मन में मात्र माँ के लिए, पिता के लिए, बड़ों के लिए इतना स्नेह हो कि दुनिया की कोई भी चीज उन्हें उस स्नेह और संस्कार से विचलित ना कर पाए। घर में बच्चे हैं, भाई है तो वो लक्ष्मण जी से प्रेरित हो और बेटा या बेटी है तो उसमें माँ सीता प्रभु राम के संस्कार हो। आज इस मंच से सभी राम भक्तों के लिए यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। यहाँ पिछली कतार में जितने राम भक्त बैठे हैं उनसे विशेष आग्रह करती हूँ, यहाँ जो खेल के शोर है उससे ज्यादा राम भक्तों की ललकार कुछ ऐसी हो कि आवाज सीधा श्री अयोध्या जी तक पहुँचे भक्तों की, तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे वाले तो जय कर रहे हैं, पीछे वाले थोड़े अभी बाकी हैं। फिर से कहती हूँ पूर्ण श्रद्धा के साथ आवाज ऐसी निकले कि अयोध्या जी तक पहुँचे। हम सबका ये सौभाग्य है कि 5 वर्षों के इंतजार के बाद, धर्म के लिए धैर्य दिखाने के बाद, साक्षात आज पवित्र राम जन्मभूमि पर हम सब भव्य राम मंदिर स्वयं देख पा रहे हैं, प्रभु के चरणों में जा पा रहे हैं। फिर से बोलो सियावर राम चंद्र की जय।
सो ये थी आज की खूबसूरत सी रामलीला और बहुत ही प्यारा सा स्पीच जो स्मृति ईरानी जी ने दिया था। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।